मेरा नाम आरती कोल है। आरती कोल। कोल जी, आप यहाँ क्यों आए हो? जी, हम अपने अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि ये जो महिलाओं पे अत्याचार होता है उस पे ना रोक लगाई जाती है, ना कानून सुनवाई हुई जाती है, बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को दबाकर नए नए कानून बनाए जाते हैं। तो हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और जितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके लिए हम लड़ना चाहते हैं कि अगर सरकार है और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो हमारा ध्यान रखा जाए, ना कि अमीरों का ध्यान रखा जाता है। गरीब महिलाओं का आज अगर रेप हो जाए या किसी की हत्या हो जाए, मगर उसकी सुनवाई चाहे थाने में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम अपने अधिकार के लिए यहाँ आएंगे। जब आप घर से निकलते हैं और क्षेत्र में काम करते हैं महिलाओं के लिए, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आज जिसकी सरकार बैठी हुई है उन्हीं के चमचे और दमंग जो गांव में आज बैठे हुए हैं, वो हमें अपने समाज को, गरीब दलित आदिवासियों को रोकते हैं। चाहे अपने अधिकार के लिए वो लड़ने जाए, चाहे वो कलेक्ट्रेट जाए, उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। और जो अगर निकलना चाहता है, अगर ज़्यादा होता है, तो उसका मर्डर भी करवा देते हैं, पर उसके लिए कोई लड़ता नहीं है। तो अब आप आगे क्या करेंगे उनके लिए, कैसे सहयोग करेंगे? कि आपको डर लगता है, कि आपको मरने से डर लगता है कि अगर कोई आएगा हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा? जी नहीं, अब हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम जिएंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अगर मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आप जिस समाज के अंदर महिलाएं अगर जागरूक हो जाती हैं और महिलाएं जब आगे निकलने लगती हैं तो वो समाज पीछे नहीं रहता है। पहले कहा जाता था कि महिलाओं के साथ बहुत बड़ी इसकी दुर्भावनाएं होती हैं कि महिला बाहर निकलेंगी तो उनके साथ अत्याचार होगा, लेकिन आज महिलाओं ने कमर कस ली है कि हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना सम्मान लेके रहेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।